तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर पिछले ट्रेडिंग डे को भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिली और आज के दिन भी स्टॉक 4% से भी ऊपर की गिरावट दिखा चुका है। स्टॉक करंट लेवल पर 496 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो जो रेड कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये पहले स्टॉक के अंदर एक सपोर्ट लेवल का काम कर रहा था जो कि अराउंड 585 रुपीस पे था। पर जब स्टॉक ने 585 रुपीस के प्राइस को ब्रेक डाउन किया है तो वहां पर स्टॉक के अंदर अब एक गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक के अंदर जो नीचे में एक अहम सपोर्ट लेवल है अराउंड 470 रुपीस पर है, जो ग्रीन कलर की नेक लाइन देख रहे हैं। अब इस स्टॉक के अंदर नीचे में एक सपोर्ट लेवल है, अगर स्टॉक इस प्राइस को ब्रेक डाउन करता है तो वहां पर स्टॉक के अंदर एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो नीचे में 475 रुपीज का एक स्टॉप लॉस ट्रेड करें, ऊपर के टारगेट अराउंड 585 रुपीज, जो कि स्टॉक में एक रुकावट रेंज भी देखने को मिल सकती है। तो आप यहां तक के लिए स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, स्टॉक अगर यहां से एक बार रिवर्सल दिखाता है तो। पर ज्यादा चांसेस है कि स्टॉक नीचे में 475 रुपीस के प्राइस को रीटेस्ट कर सकता है, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाएं। और दूसरी बात ये भी ध्यान देने वाली कि स्टॉक का वॉल्यूम एवरेज देखें तो नॉर्मल दिनों से ज्यादा स्टॉक के अंदर एक लिक्विडिटी देखने को मिल रही है, जिसका उदाहरण है कि स्टॉक के अंदर एक बड़ी मात्रा में गिरावट के भी संकेत देखने को मिल सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।